सो कौड़ियों के भाव में अपने घर को सजाओ बहुत ही यूनिक तरीके से। 6 रुपए किलो में लाई मैं कपड़े और 1 किलो में 500 का माल आराम से तैयार कर दिया और इतने ट्रेंड में चल रहे ना। सारी चीजें आप लोगों के साथ इस वाले वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ, क्या बना रही हूँ, कैसे बना रही हूँ, एक एक करके। सो गाइज वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल इजरा की दुनिया में। और बिना टाइम वेस्ट करते हुए सबसे पहले मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ अपने गोदाम में, जहाँ पे मैंने बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं। लाइक छोटे छोटे कतरन जो होते हैं ना, पहले मैं फेंक देती थी, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था और दिखाया भी था कि मैं क्या बनाती हूँ। सो इस वीडियो में मैं पूरा प्रॉपर क्लियर तरीके से आपको एक एक चीज दिखा के सिखाने वाली हूँ। लाइक मेरे उस वाले वीडियो पे कॉमेंट्स आए हैं कि मुझे प्लीज वो बताइए बना के कि कैसे बनाया आपने, देखने में बहुत सिंपल यूनिक लगता है उसको, और घर में तो ऐसे रखने पे इतना चार चांद लग जाता है घर में कि बात ही मत पूछिए। ना वो ऑनलाइन में मिल रहा है, ना ऑफलाइन में कोई सेल कर रहा है, जस्ट बिकॉज उसको बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है और इन सब कपड़ों को ना इकट्ठा करना पड़ता है। मेरे पास 2 से 3 क्विंटल भरे हुए हैं, लाइक इस बोरे में तो 1 क्विंटल यहाँ होगा, प्लस इस वाले में मैंने छांट के रखे हुए थे जो मुझे जरूरत की चीजें लगी। सो आप देख सकते हैं इसमें से भी मैं कुछ कुछ चीजें निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे अभी 16 पीस का ऑर्डर आया है। जो लोग देखते हैं वो फोन कर देते हैं लाइक मुझे इतना बना के रख देना, तो उनके लिए मैं यहाँ पे कपड़े छांट रही हूँ और साथ ही साथ इनमें से आपको भी बता दूंगी, आप सभी को बता दूंगी कि मैं क्या बना रही हूँ और कैसे बना रही हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और शेयरेबल है ये वीडियो, शेयर कीजिएगा। लाइक बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती है जिनके घर में मशीनें होती है, सिलाई जानती है, सिलाई करते हैं, लेकिन जो भी कतरन होते हैं छोटे छोटे पीसेस के वो फेंक देती हैं। सो फेंकिए नहीं, उसका इस्तेमाल कीजिए बहुत अच्छे तरीके से और अपने घर को इतने अच्छे से सजा दीजिए बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट में। लाइक आप मार्केट से थोड़ी सी भी चीज खरीदने जाते हो ना, छोटी से छोटी चीज, एक गुलदस्ता भी लेने जाते हो तो 50 रुपए का पड़ जाता है आपको, और वो है ही क्या, एक अपने घर को एक शोभा सा बढ़ा देता है। लेकिन मेन पॉइंट ये आती है कि अगर आप किसी मेहमान के घर में जाते हो तो सेम वही पीस आपको उनके घर में दिख जाता है, तो क्या ही यूनिकविटी रह गई उसमें, मतलब उसके घर में भी और आपके घर में भी है। तो इससे अच्छा कुछ ऐसा क्रिएटिव माइंड लगा के क्रिएटिविटी किया जाए कि आपके घर की चीजें उनके घर की चीजों से बिल्कुल डिफरेंट हो और जो भी मेहमान आपके घर में आना वो पूछे कि ये चीज कहाँ से लिया और कैसे बनाया आपने। सो कुछ उसी टाइप की चीजें मैं बनाती रहती हूँ अपने लिए, कस्टमर्स के लिए, क्योंकि मेरे पास बहुत कस्टमर बन गए हैं। मेरा एक बुटीक है, पिछले वीडियो में मैंने अपने व्यापार के बारे में पूरा डिस्कस किया हुआ है, अगर नहीं देखा आपने तो जरूर से देखिएगा। वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और यहाँ पे मेरी हेल्प कर रही है मम्मी, जो कि कपड़े छांटने में बहुत हेल्प कर रही है। लेकिन इन सारे जो भी रखे हुए ना, इन बोरे, ये फिर या ये जंबो बैग्स, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जिसको हमें इस्तेमाल करना है, ठीक है, तो उन सब को छांटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है अकेले में, और इस वजह से मैंने मम्मी से बोला तो वो मेरी हेल्प करी और हमने फिर निकाला। और कुछ इतने सारे कतरन निकालने के बाद अब यहाँ पे आती है बारी काटने की। तो उन पीसों को हम कैसे काटते हैं, सबसे पहले ये ध्यान में रखिए। ये लीजिए एक छोटा सा टुकड़ा, मैंने एक सैंपल के तौर पर काटा हुआ है। इसकी जो लंबाई लेनी है आपको 6 इंच लेनी है, ठीक है, और जो चौड़ाई लेनी है वो पूरे 4 इंच पे लेनी है। ये आप देख सकते हैं 6 और 4 इंच का मैं बनाती हूं। अगर आपके पास इससे छोटे कतरन में है ना, तो आप उसका इस तरीके से मेजर कर लीजिएगा, लंबाई थोड़ा ज्यादा और चौड़ाई कुछ इस टाइप का, ठीक है। उसके बाद हम इस एज अ पैटर्न के तौर पे हम इसको रख के काट लेंगे, बराबर बराबर करके सारे पीसेस को सेम बराबर पैटर्न में काट लेंगे। कुछ 2-3 कलर्स मैंने छांटे थे तो उन 2-3 कलर्स में से मैं काट लूंगी अलग अलग कलर्स के, कि थोड़ा डिजाइन ना उभर के आए। और बना क्या रही हूँ वो भी मैं आप लोगों को इसी वाले व्लॉग में दिखाने वाली हूँ। पिछले व्लॉग मैंने शेयर किया था आप लोगों को कि मैं कौड़ियों के भाव कपड़े लेके आती हूँ और आप सभी के साथ शेयर करती हूँ कि उसका मैं क्या बनाती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम घर की बात कर रहे हैं, तो घर में आप इससे बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, उनमें से मैं एक ही चीज डिस्कस कर रही हूँ, एक ही चीज शेयर कर रही हूँ, बाकी तो बहुत सारी चीजें अभी बाकी हैं। तो एक वीडियो में मैं डालूंगी तो बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी वीडियो, इस वजह से ना नेक्स्ट व्लॉग में मैं डालती रहूंगी। तो इसी बात पे इस वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है ना, सो प्लीज मेरी मेहनत को एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि आपके घर का सजाने का ठेका मैं नहीं ले रखा है और मैं सारी चीजें बताऊंगी कि आपको किस किस तरीके से क्या क्या बनाना है। सबसे पहले ये वाला प्रोसेस देखिए, ये जो है मैंने पीस काटा हुआ था
इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, मतलब पूरा हाफ नहीं करेंगे इस कपड़े को, और जिस तरीके से मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ सेम उसी प्रोसेस में फोल्ड करना है। अगर आप लोगों को एक फोल्ड में समझ में नहीं आया तो मैं सेकंड भी फोल्ड करके अभी बता रही हूँ। सबसे पहले आप देखिए कि स्टिच कैसे करते हैं, लाइक कोना पकड़ के शुरू से स्टार्ट करेंगे वहां से, और जो खुला हुआ मुंह है ना वो दूसरे तरफ पलट के रख देंगे, जिस तरीके से आप सभी को वीडियो में दिख रहा है। और इसके बाद क्या है, हम यहाँ पे 5 नंबर की सिलाई चला देंगे, मशीन में 5 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर आते हैं, तो इस तरीके से इस पे सिलाई चला देंगे। फिर ये आप सेकंड बार देखिए, इस तरीके से फोल्ड करेंगे ऊपर से हाफ करके, और बिल्कुल इस दिकोने के हिस्से का बना के, और ध्यान रहे कि जो हम बर्फी सा बना रहे हैं ना वो दोनों इक्वल एकदम लाइन से इक्वली आती रहे, इक्वली आती रहे। उसके बाद जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है, यहीं पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लाइक अगर हमने एक बर्फी सेट कर दी इस तरीके से लाइन में, तो जो कपड़े बाहर को हैं वो कुछ इस तरीके से सेट करना है, और इसको सेट करने में इतना मजा आता है ना मैं क्या ही बताऊं, बहुत इजी प्रोसेस है। देखने में लगता है कि कैसे बनाया होगा लेकिन बहुत आसान है, एक बार आप लोग ये ट्राई कर लेंगे ना तो आपसे बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो सारे इन सब चीजों इन जो कपड़े निकले हुए ना उनको अंदर करते करते सेट वाइज इस तरीके से बिठा देंगे, सो इसका जो लुक आएगा ना कुछ इस तरीके से आएगा, बहुत ही सुंदर। और प्लस आप इसमें बीच में ना जो लंबे लंबे कतरंस बच जाते हैं एकदम लंबे लंबे, उसको चोटी बना सकते हैं इस टाइप से, और इसमें भी ऐड कर सकते हैं, जो कि देखने में बहुत ब्यूटीफुल लगता है। और आरामदायक की बात करें तो इतना कम्फर्टेबल होता है ना, लाइक जैसे आपके तलवों में दर्द हो रहा है और आप इस पे खड़े हो जाएंगे ना इस डोरमेट पे, बहुत ही सुकून मिलता है। सो गाइज, ये है कुछ फाइनल लुक जो कि मैंने पहले 2-3 डिजाइन में बना के रखे हुए हैं, जो कि आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये कुछ चोटी वाले डिजाइन भी बनाए हुए हैं, अगर आप पे लंबे लंबे कतरन बचे जाते हैं लाइक साड़ी भी हो या किसी पीस से निकला हो, तो उसका आप चोटी बना के कुछ इस तरीके से डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, जो कि देखने में भी, और ये बहुत कम्फर्टेबल होता है, अगर आपके तलवों में दर्द होता है ना तो इस पे खड़े हो जाइए, बहुत मजा आता है। उसके बाद मैंने कुछ ये 2 कलर्स के कॉम्बिनेशन किए हुए हैं जो कि बहुत चल रहे हैं यहाँ पे मेरे यहाँ पे, कोई भी देख रहा बनवा रहा है लेके जा रहा है, और ये तो एकदम इसकी बात ही मत पूछिए, इसको आप अपने बेड के आगे वॉशरूम के आगे रख सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है, वॉशेबल है, धूप में आराम से सूख जाता है, और सालों साल टिकने वाला ये चीज है, क्योंकि ये कपड़े से बना है हर तरीके से, कोई फॉर्म कुछ नहीं है, तो खराब होने का कोई डर ही नहीं है। सो होप गाइज ये वाला वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, तो जल्दी से चैनल को